फ्रेंड्स लोगों ने मुझे यूज़ किया, तो फिर भी राहे उन्होंने मेरी वीडियोस बकायदा, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरी पिक्स वगैरह। फिर लड़का नहीं आया? लड़का तब नहीं आया था, तो जब उसके फ्रेंड्स भी चले गए फिर वो लड़का आया। वो ऐसा शो करवा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैं घर बार छोड़ के आई हूँ, तो आओ अब निकाह करो। कहते मैंने तो निकाह नहीं करना। निकाह नहीं किया फिर? तो कहते हैं मुझे निकाह नहीं किया, वो मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। अब आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं किसी के मकान लिया हुआ है किराए। मुझे ये बताएं कि जो माँ बाप ने रिश्ता ढूंढा था, जो आप बता रहे थे, वो लड़का क्या करता था? उस लड़के का अपना कारोबार था, काफ़ी उसकी शॉप्स थी अपनी। उन्होंने जहाँ रिश्ता किया है, मैंने अपने मामा पापा को कहा था कि मैंने जिससे मैं करती हूँ मैंने उसी से करना शादी। जिससे आपने करके देख ली, फिर आपको सिला मिल गया उससे? जी, कहते हैं ना कि हर इंसान अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है, तो मेरा भी वही हिसाब है। मैं अपनी ही गलतियों की वजह से इस मुकाम पर पहुँची, इसलिए कहते हैं कि मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि पेरेंट्स जो भी करते हैं। के साथ महसन एक बार फिर आपके सामने आ जाऊँ। आज आप मेरे साथ एक लड़की देख लो, लड़के के पीछे लग के अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाई, बाद में उसी लड़के ने अपने दोस्तों के साथ इसे गलत करवाया, अपने दोस्तों से इसे ज्यादती करवाई, खुद भी गलत किया, बगैर निकाह के उसको अपने साथ रखा। आज मैं सिर्फ ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि मैं उन लड़कियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो आप लड़कों के पीछे लग के अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं, फिर आपका हाल इस तरह होता है। इससे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? अलीजा। अलीजा, मुझे ये बताएं कि उस लड़के से फ्रेंडशिप किस तरह हुई? हमारा स्कूल लाइफ से था रिलेशन, तो स्कूल लाइफ फिर कॉलेज लाइफ मुसलसल चलता रहा, काफ़ी ईयर्स हो गए थे। तो फिर जब मैंने बात की, जब मेरी कॉलेज लाइफ एंडिंग होने वाली, तो मैंने उससे कहा, फिर मैंने कहा तुम अपने घर बात करो। कहते मैंने कर ली हुई है लड़के के बात जी। तो कहते मैंने अपने घर बात कर लिया, मेरे घर की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आप अपने घर वालों को मनाओ। तो फिर मैंने जब कॉलेज लाइफ एंडिंग हो गई, जाहिर अब इसी तरफ आना था मैंने मेरा माइंड, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बिठाया, मैंने बताया जी, बिठा के मैंने बताया कि मामा मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने इस लड़के के बारे में बात की, तो मामा ने पहले तो मामा ने कुछ नहीं कहा। मामा कहती है मैं भी कुछ कह नहीं सकती जब तक मैं उस लड़के का बैकग्राउंड ना देख। बात है माँ बाप का तो फट जी। तो वैसे मुझे पता था कि मामा मेरे लिए कोई और रिश्ता देख रही हैं। देखा हुआ था कोई जी, तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि वो काम स्टार्ट हो, मैं अपनी बात करूँगा। अच्छा, फिर तो फिर मम्मा कहती हैं कि मैं और जाएंगे तुम्हारे पापा उस लड़के के घर, उसका बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड देखा फिर उसका? तो देखा तो स्टैंड नहीं था वो, स्टैंड नहीं। मैं घर वालों को, मुझे पता था कि वो काम नहीं करता, लेकिन मैंने घर वालों को नहीं बताया। तो जब मम्मा उधर पहुंची, तो उसके लड़के के मम्मा ने कहा कि अलीजा जानते हैं, उसके लड़के के घर वाले कहते हैं हम तो जानते नहीं है किसी। यानी कि उसने झूठ बोला कि मैंने फैमिली को बताया जी। तो उसने कहा हम किसी अलीजा को नहीं जानते और हम इसका रिश्ता कहीं और देख रहे हैं। अच्छा, फिर तो मम्मा ने घर आके मुझे ये सब बताया, मुझे तो एकदम हुआ शॉक भी। फिर मैंने कहा मम्मा आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी, मुझे यकीन है उस पर। तो मैंने कहा मम्मा उसने बताया, मम्मा कहती बेटा ऐसा नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तो फिर इसी तरह मम्मा नहीं मानी, तो मजबूरन मुझे स्टैंड लेना पड़ा। अच्छा, फिर यानी कि स्टैंड लिया, फिर क्या हुआ? मैं घर से भाग गई, भाग के बाहर आ गई। फिर से जब भाग गई, तो जाहिर है उस लड़के के साथ मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप था मेरा उससे काफ़ी इयर्स, तो मैं तो उससे आंखें बंद करके उस पर यकीन करती थी। तो जब मैं उधर पहुंची, जिस जगह पे उसने मुझे बुलाया था, तो मैंने कॉल की उसे, माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला के चली गई जी, ये सब मेरी ही गलती की वजह से। तो फिर मैंने उसे कॉल की, वो नहीं आया, उसने अपने फ्रेंड्स को भेज दिया। तो वो अपने फ्रेंड्स भेज दिए उसे कब? फिर उन्हें पता था ना मेरे बारे में। अच्छा, तो उसने अपने फ्रेंड्स भेज दिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने मुझे कहते रहे 2 बजे आना है, 3 बजे आना है, इस तरह बातों में लगा दिया उन्होंने। तो फिर उसके फ्रेंड्स लोगों ने मुझे यूज़ किया, तो फिर भी राहे उन्होंने मेरी वीडियोज बकायदा, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरी पिक्स वगैरह। फिर लड़का नहीं आया? लड़का तब नहीं आया था, तो जब उसके फ्रेंड्स भी चले गए फिर वो लड़का आया। वो ऐसा शो करवा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैं घर बार छोड़ के आई हूँ, तो आओ अब निकाह करो। कहता है मैंने तो निकाह नहीं करना। निकाह नहीं किया फिर? तो कहता है
वो कहता है कि मैंने कहा था कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के आओ, मैंने कहा तुम्हारी वजह से ही तो मैं आई हूँ अपने घर वालों से लड़के, कहता है जाओ जहाँ से आई हो वहाँ पे वापस चली जाओ, मैंने निकाह नहीं करना, वैसे भी मेरे घर वाले कहीं और रिश्ता देख रहे हैं मेरा। तो मैं तो बिल्कुल, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं आगे घर वालों से लड़के आई थी। तो कहते हैं ना कि लड़की जिस बात की हो जाती है तब, जब पेरेंट्स समझा रहे होते हैं तब सुनती नहीं है वो बात किसी के पीछे लग के, और मैं भी उसी के पीछे लग के मैंने ये सब किया, उसी की ही वजह से मैं घर से बाहर कदम रखा तो सारा कुछ। फिर उसने मुझे निकाह नहीं किया, वो मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। अब आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं किसी के मकान लिया हुआ है किराए। मुझे ये बताएं कि जो माँ बाप ने रिश्ता ढूंढा था जो आप बता रहे थे, वो लड़का, उस लड़के का अपना कारोबार था, काफी उसकी शॉप्स थी अपनी। आपके आपके आपने देखें, आपको आपको नहीं समझ आया कि आपका फैसला क्या था और आपके माँ बाप का फैसला क्या था? मुझे तब कुछ समझ नहीं आया, तब कहते हैं ना आंखों में पट्टी बांधी होती है, इतना यकीन था खुद पे, ज्यादा यकीन किया था उस माँ बाप जिसने 22 साल पाला, उन पर यकीन नहीं है कि वो फैसला, अगर वो एक फैसले से मना कर रहे हैं, आप उनको छोड़ रही हैं और आगे आप अपना रिश्ता कर रही हैं, भाग रही हैं किसी लड़के के साथ। आके उन्होंने जहाँ रिश्ता किया है, मैंने अपने मामा पापा को कहा था कि मैंने जिससे मैं करती हूँ मैंने उसी से करना शादी, जिससे आपने करके देख ली फिर आपको सिला मिल गया उससे। जी कहते हैं ना कि हर इंसान अपने पाँव पर खुद ही कोई हार ही मारता, तो मेरा भी वही हिसाब है, मैं अपनी ही गलतियों की वजह से इस मुकाम पर पहुँची। इसलिए कहते हैं कि मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि पेरेंट्स जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, औलाद को पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाद में औलाद को ही पछताना पड़ता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लड़कियां आपके प्रोग्राम देख रही हैं? मैं उन लड़कियों को स्पेशली पर्सनली के तौर पे ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, और जहाँ वो राज़ी हैं वहीं उनकी बात मान लें, क्योंकि किसी लड़के के पीछे लग के खुद जलील होना है, खुद की इज्जत उछालना। तो जी नाज़रीन, आप लोग हिसाब लगा सकते हैं, अगर ये लड़की उस टाइम अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में ना मिलाती तो आज ये लड़की भी अच्छे से सेट होती। हमारे मुआशरे की हकीकत ये है, मोस्ट ऑफ देम लड़कियां बेचारी मजबूर होकर सामने नहीं आती, लेकिन हमने ये करैक्टर इसलिए आप लोगों के सामने रखा ताकि जो लड़कियां बेचारी नहीं आवाज़ अपनी उठा सकती, इसलिए मेरा मकसद था ये करैक्टर मैं आप लोगों के सामने रखूं और आपको दिखाऊं कि हमारे मुआशरे में लड़के क्या करते हैं लड़कियों के साथ, उनको निकाह का झांसा देकर घर से ले जाते हैं, बाद में ये हालात करते हैं। अगर ये इसी तरह लड़कियां अगर अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मलाएंगी तो फिर उनका यही हाल होता है, ना घर की ना बाहर की। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता है किसने प्रोग्राम है मेरा, मैं दोबारा आप लोगों को बताता चलूँ, ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि एक अच्छा मैसेज कन्वे हो सके और लड़कियां जो लड़कों के पीछे बातों में आकर बरगलाई जाती हैं वो ना आए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता है किसने प्रोग्राम है, नए टॉपिक के साथ, अल्लाह नेगमा।